कि मैं आज जो नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ वो बड़ी संजीदा नज़्म है, बहुत अच्छी नज़्म है, एक उच्च स्तर पर है। ये है शायर कैश जौनपुरी, उनकी है। आज बकरीद है, सुबह सुबह किसी ने टोका, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो, नमाज पढ़ने नहीं गए लेकिन स्विमिंग करने जा रहे हो। ईद मुबारक हो, नमाज पढ़ने नहीं गए लेकिन स्विमिंग करने जा रहे हो। हाँ मैं नहीं गया, हाँ मैं नहीं गया, क्योंकि मैं नाराज हूँ उस खुदा से, क्योंकि मैं नाराज हूँ उस खुदा से जो ये दुनिया बना के भूल गया है, कहीं खो गया है, शायद सो गया है, शायद सो गया है, या जिसकी आंखें फूट गई है, या जिसकी आंखें फूट गई है, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता कि उसकी बनाई इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कि उसकी बनाई हुई दुनिया में क्या क्या हो रहा है। हाँ मैं नाराज हूँ, हाँ मैं नाराज हूँ, और तब तक मस्जिद में कदम न रखूँगा जब तक आइलन कुर्दी फिर से जिंदा नहीं होता। ये आपको शायद पता होगा कि पर्शिया में जो चल रहा है ना, सब बच्चों को भी मारा जाता है, वहाँ आइलन कुर्दी का गोलियां मार के उनको ख़त्म किया था, एक नन्ना सा बच्चा था, उसकी तरफ इशारा है। और तब तक मस्जिद में कदम न रखूँगा जब तक आइलन कुर्दी से फिर से जिंदा नहीं होता, जब तक दिल्ली की वो दो लड़कियाँ सही सलामत वापस नहीं आती, जिन्हें जलते हुए तारकुल के ड्रम में सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि वो मुसलमान थी, क्योंकि वो मुसलमान थी, और मुझे उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं चाहिए, और मुझे उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं चाहिए। मैं नाराज़ हूँ, मैं नाराज़ हूँ, और तब तक मस्जिद में कदम नहीं रखूँगा जब तक हरप्रीत कौर और हर पंजाबन औरत और बच्ची बिना खंजर लिए सुकून से नहीं सो, जब तक दंगों में गुम मंटो की शरीफन अपने बाप कासिम को मिल नहीं जाती, तब तक मैं नाराज हूँ, तब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मुझे तुम्हारे कुरान पे पूरा भरोसा है, मुझे तुम्हारे कुरान पे पूरा भरोसा है, बस उस पे ये जहन्नुम का डर निकाल दो, बस उसमें से ये जहन्नुम का डर निकाल दो। डर की इबादत भी भला कोई इबादत है? डर की इबादत भी भला कोई इबादत है? कैसा होता कि मैं अपनी खुशी से जब चाहे मस्जिद में जाता और एक रकात में ही गहरी नींद और तेरी गोद में सो जाता, तेरी गोद में सो जाता। मुझे तुमसे शिकायत है, मुझे तुमसे शिकायत है, एक सेब खाने की आदम को इतनी बड़ी सजा, एक सेब खाने की आदम को इतनी बड़ी सजा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा कलेजा नहीं पी जाता। यहाँ तुम्हारे मौलवी मस्जिद की तामीर के लिए कमीशन पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारे मौलवी मस्जिद की तामीर के लिए कमीशन पे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और जहाँ गरीबों को दो रोटी नसीब नहीं होती वहाँ मूर्तियों पे करोड़ों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। तुम्हारे नाम पे यहाँ रोज जाने कितने मर जाते हैं, तुम्हें पता भी है कुछ, तुम्हें पता भी है कुछ? लोग पाकिस्तान को इस्लामिक देश कहते हैं, और तुम्हें हंसी नहीं आती, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तुम्हारी मासूम बच्चियों को पढ़ने से रोका जाता है, तुम्हारी मासूम बच्चियों को पढ़ने से रोका जाता है, उन्हें गोली भी मार देते हैं। तुमने एक मलाला को बचा लिया तो इतने ज़्यादा खुश न हो, तो इतने ज़्यादा खुश न हो। तुम्हारे आंसू नहीं बहते जब किसी भोरी लड़की का जबरदस्ती खतना किया जाता है, क्या तुम्हें उन मासूम लड़कियों की चीख सुनाई नहीं देती? या तो तुम बहरे हो गए, या तुम्हारे कान ही नहीं है, या फिर तुम ही नहीं। तुम तो कहते हो कि तुम जर्रे जर्रे में हो, तुम तो कहते हो कि तुम जर्रे जर्रे में हो, फिर जब कोई मंसूर अनल हक कहता है
तब उसकी जबान क्यों काट ली जाती? क्या उस कटी जुबान से टपके खून में तुम नहीं थे? क्या उस कटी जुबान से टपके खून में तुम नहीं थे? क्या मंसूर की उन चमकती आंखों में उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे जो तुम्हारी आंखों के सामने फोड़ दी गई? क्या मंसूर के उन हाथों में तुम नहीं थे जो काट दिए गए? क्या मंसूर के पैर कटते ही तुम अपाहिज बन गए? आओ आके देखो अपनी दुनिया का हाल, आओ देखो अपनी दुनिया का हाल। आबादी बहुत बढ़ चुकी है, अब सिर्फ एक मोहम्मद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पैगंबरों की पूरी फौज भेजनी होगी। सिर्फ एक मोहम्मद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें पैगंबरों की पूरी फौज भेजनी होगी, क्योंकि मूसा तो यहूदियों के हो गए और ईसा को ईसाइयों ने हाथ लिया, दाऊद गोरी हो गए, बुद्ध का अपना ही एक संघ है, महावीर जो एक चींटी भी मारने से डरते थे, उस देश में इंसान की लाश के टुकड़े कागज की तरह बिखरे मिलते हैं। जाने कितने दिन धर्म मनगढ़ंत है, श्वेतांबर, पीतांबर, जिगंबर, जाने कितने पंथ है, आदम की औलाद सब जाने कैसे बिखर गए, तुम्हारे सब पैगंबरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम तो मोहम्मद की इबादत के बहे आंसुओं से खुश हो लिए, मगर क्या तुम्हें ये सूखी धरती दिखाई नहीं देती? मगर तुम्हें सूखी धरती दिखाई नहीं देती? ये किसान दिखाई नहीं देते? तेरी दुनिया में आज अनाज पैदा करने वाले ही भूखे मर रहे हैं। मुझे हंसी आती है तेरे निजाम पर, मुझे हंसी आती है तेरे निजाम पर, और तू जहन्नम का डर दिखाता है? जा, मैं नहीं डरता तेरी दोजख की आग से, यहाँ जिंदगी कौन सी जहन्नम से कम है? और पीने का पानी तक तो पैसे में बिकता है, तू पहले हिंदुस्तान की औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत दिला, तू पहले हिंदुस्तान की औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत दिला, तू पहले अपने मुल्ला मौलवी को समझा कि लोगों को इस तरह गुमराह न करे, 3 बार तलाक कह देने से ही तलाक नहीं होता। तू आके देख, मदरसों में मासूम बच्चों को कुरान पढ़ाया नहीं जाता, रटाया जाता है, और फिर ही रटनतू तोतों को हाफिज बनाया जाता है, जो तेरी बा कमाल आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर। मैं किस मस्जिद में जाऊं तो तू मुझे वहां मिलता ही नहीं, मैं किसी मस्जिद में जाऊं तो तू तो वहां मिलता ही नहीं, और तेरे दर काबा आने के इतने पैसे लगते हैं, जहां हर साल भगदड़ होती है और न जाने कितने बेवकूफ मरते हैं। मैं कहता हूं इतनी भीड़ में जाने की जरूरत क्या? कितना अच्छा होता कि मैं मक्का पैदल आता और तू मुझे वहां अकेला मिलता, और तू मुझे वहां अकेला मिलता। तू पहले ये सरहदें हटा दे, तू पहले ये सरहदें हटा दे। ये क्या बात हुई कि तेरे काबा पे अब सिर्फ कुछ शेखों का हक है? तू पहले समझा उन पागलों को कि तुझे सोने के तारों से बुनी चादर नहीं चाहिए। मैं तब आऊंगा वहां तेरी मस्जिद में, अभी जाने का दिल नहीं करता। जानता है क्यों? जानता है क्यों? अंधेरी इश्क की साई गली वाली मस्जिद के बाहर एक मासूम सी लड़की आंखों में उम्मीद लिए हाथ फैलाए हुए भीख मांगती है। मैं उसे 5 रुपए देने से पहले सोचता हूँ कि इसकी आदत खराब हो जाएगी। फिर ये इसी तरह भीख मांगती रह जाएगी, और अगर मैं उसे थोड़ी हमदर्दी दिखाऊं तो लोगों की नज़र से मेरी नज़र खराब हो। मैं उसे अपने घर भी ला नहीं सकता, कुछ तो घर वाले लाने नहीं देंगे और कुछ तो उसके मालिक। हाँ, तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, हिंदुस्तान में बच्चों से भीख मंगवाने का बाकायदा कारोबार चलता है। मासूम बच्चों को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, हाथ काटे दिए जाते हैं, कुछ के पैर काटे दिए जाते हैं, फिर तेरी बनाई हुई कुदरत रहम का सहारा लेकर तेरी ही नाम पे उनसे भीख मंगवाते हैं। अब तुझे मैंने सब बता दिया, अब तो तू कुछ कर, इन बच्चों को पहले इस कैद से रिहा कर, फिर मैं तेरी मस्जिद में आऊँगा
तेरे आगे सर झुकाऊंगा, अभी मुझे लगता है तू इबादत के काबिल नहीं, अभी तुझको बहुत से इम्तिहान पास करने। बहुत हाँ, इम्तिहान से याद आया, ये तूने कैसी बनाई, ये कैसे तूने बनाई बकवास दुनिया है जो सिर्फ पैसे पे चलती है, मुझे इन पैसों से नफरत है, ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, तुम पहले कुछ कोई ढंग रहने की लायक दुनिया बनाओ, फिर मुझे नमाज के लिए बुलाओ और तब तक तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जानपुरी बहुत अच्छे शायर, बहुत उमदे शायर है, जवान शायर है।